साधारण भूमिगत कर्मियों के लिए प्राथमिक प्रशिक्षण, कोयला परत, कोयले का गठन, संयुक्त चट्टानों की किस्में और जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इत्यादि के बारे में साधारण विचार। साधारण तौर पर परत खनिजों का जमाव है, मुख्यतः तलछटी चट्टानों में पाई गई विशेष परत को, जिसका खनिज कोयला है, कोयला परत कहलाती है। कोयला परत की मोटाई और भू यांत्रिक विशेषता में विभिन्नता हो सकती है। कोयले का गठन या रचना। कोयला वनस्पति उपादान का स्तरित कार्बनीकृत अवशेष है। जैव पदार्थों को संचय का कोयले में रूपांतरित होने को स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक दो व्याख्याएं सामने रखते हैं। ड्रिफ्ट थ्योरी। लाखों साल पहले अभी से बिल्कुल भिन्न आबहवा में पृथ्वी पर उगे वृक्षों और वनस्पतियों से ही कोयला परत का गठन हुआ था। भूकंप, तूफान व अन्य गतिविधियों की वजह से गिरे वृक्ष पानी द्वारा झीलों, नदियों और समुद्रों में बह गए होंगे। साथ ही पानी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी और बालू की परतें इन वनस्पतियों के ऊपर जम गई होंगी। यह प्रक्रिया लाखों साल तक चलती रही होगी। जहां समुद्र तल और नदियों में बार बार ताजा वनस्पति और मिट्टी व बालू की परतें चढ़ती गई होंगी, ये जैव पदार्थ अपने ही भार और अवसाद के भार में जल गया होगा। जहां दबाव से ऊर्जा पैदा हुई और जीवाणविक गतिविधि व ऑक्सीजन के अभाव में वनस्पति पदार्थ कड़े जले हुए ठोस में परिवर्तित हो गया, जिसे कोयला कहते हैं। ज्यादातर भारतीय कोयला परत इसी प्रक्रिया से तैयार हुआ। इन सिटू थ्योरी। इस व्याख्या के मुताबिक जहां वनस्पति उगी, धसी और वृक्ष पानी द्वारा बहकर निचले इलाकों में चले गए, वहां वे पानी से बहकर आई और बालू के तले दब गए। यह सिलसिला जारी रहा और तब पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। मलबे के ऊपर फिर नई वनस्पति व पेड़ उगे और यह सिलसिला लाखों सालों तक चलता रहा। ब्रिटिश कोयले का गठन इन सिटू प्रक्रिया से हुआ। संयुक्त चट्टानों के प्रकार। कोयला परतें मुख्यतः निम्नलिखित चट्टानों के साथ जुड़ी होती है और कोयला परत की छत और फर्श की क्षमता और स्थिति परतों की संयुक्त चट्टानों पर निर्भर करती है। बालू पत्थर कठोर, मजबूत, उच्च आरएमआर और अच्छी छत। स्लेटी पत्थर यानी कि शेल, अविश्वसनीय प्रकृति और अनइन्फॉर्म, बिना संकेत के नष्ट हो जाते हैं। स्लेटी बालू पत्थर इत्यादि। चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। कोयले की विभिन्न भू यांत्रिक विशेषताओं की वजह से कोयला तल में अनेक प्रकार की भूवैज्ञानिक गड़बड़ी पाई जाती है, जो इस प्रकार है, यानी कि फॉल्ट। दोष चट्टानों में पड़ी दरार है जो भंग तल के पार्श्विक और सीधे विस्थापन से जुड़ी होती है। दोष तब पनपता है जब जमीन की गतिविधियों का दबाव सहने में चट्टान की क्षमता नाकाफी होती है। थ्रो ऑफ फॉल्ट। भंग तल के ऊर्ध्व विस्थापन को थ्रो ऑफ फॉल्ट कहते हैं और फर्श से फर्श तक का नाप। हीव ऑफ फॉल्ट। समतल विस्थापन को हीव कहा जाता है। फॉल्ट को डाउन थ्रो या अप थ्रो कहा जाता है, जिस साइट के मुताबिक फॉल्ट प्लेन की तरफ यात्रा करती है। फॉल्ट दो तरह के होते हैं, रिवर्स फॉल्ट और नॉर्मल फॉल्ट। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। चट्टाने हमेशा एक समान अनुपात में नहीं झुकती। कभी कभी वो लहरदार या मुड़ी होती है, जो कि पृथ्वी में जारी विभिन्न भूतकनीकी बलों की गतिविधियों की वजह से होता है और परिणाम होता है अनियमितता। अगर मोड़ की शिखा झुककर आर्च बनाती है तो इसे सिंक्लाइन कहते हैं।
अगर मोड़ की तली का झुकाव साधारण इलाकों या प्लेन की ओर होता है तो संचरना को एंटीक्लाइन कहते हैं। वॉशआउट, वॉशआउट मुख्यतः एक अनियमितता है जहां कटाव से तली पतली हो जाती है और बालू के साथ अन्य पदार्थ भर जाते हैं। रोल, इसे बिल्कुल वॉशआउट का विपरीत समझा जाता है। स्वेलियर, पार्श्विक दबाव से एक स्थान पर कोयला परत का मोटा होना। स्लिप, चट्टान गठन में दरार रेखा का पाया जाना। डाइक, डाइक को कोयला तल में आग्नेय घुसपैठ के तौर पर परिभाषित किया जाता है। यह कुछ सेंटीमीटर से अनेक सेंटीमीटर तक विभिन्न आकार का हो सकते हैं। खनन के विभिन्न प्रकार जिनसे जमीन के नीचे से कोयला निकालना संभव है, इनको मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, बोर्ड व पिलर खनन और इसके विभिन्न रूपांतर। लॉन्ग वॉल, एडवांसिंग लॉन्ग वॉल और रिट्रीटिंग लॉन्ग वॉल। खनन पद्धतियों के इन दो प्रमुख तरीकों के अलावा और भी कई पद्धतियां हैं जो प्रमुख पद्धतियों के व्युत्पन्न रूप से अलग नामावली प्राप्त कर चुके हैं। रूम व पिलर पद्धति, लेवल खनन, समतल खनन, सब लेवल केविंग पद्धति, बोर्ड एंड पिलर खनन। इस तरह के खनन में दो भिन्न पड़ाव हैं, डेवलपमेंट और डीपिलरिंग। डेवलपमेंट, बोर्ड एंड पिलर विकास चरण में कोयला खदानों की सड़कों का ड्राइवेज बनाया जाता है ताकि उनकी गैलरियों का तंत्र पूर्व निर्धारित सीमा तक पहुंचे। सीमा एक फॉल्ट प्लेन, डाइक, किसी खदान की लीज सीमा या कोई अन्य कृत्रिम सीमा भी हो सकती है। बोर्ड एंड पिलर पद्धति में खनन का काम तब किया जाता है जब इन सब भू खनन स्थितियां सामान्यतः खदान में होती है। एक लोकल सीम 1.5 मीटर से मोटी हो, लोकल सीम सामान्य गहराई पर हो, शुरुआती छत और फर्श के साथ लोकल सीम हो जो लेने समय तक टिक सके, पर्याप्त रौंदने लायक क्षमता वाला कोयला। हमारे देश में ज्यादातर कोयला परतें इन सभी स्थितियों को संतुष्ट करती है, इसलिए हमारी खदानों में बोर्ड एंड पिलर खनन बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है। इस तरह के खनन में कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फायदे, विकास चरण के दौरान ही कोयला उत्पादन प्राप्त हो सकता है, कोई अनुत्पादक पद्धति शामिल नहीं है। विकास चरण में जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस का खुलासा हो जाता है जिससे तदनुसार योजना बनाई जाती है। नुकसान, लॉन्ग वॉल पद्धति की तुलना में कार्यक्षेत्र में वायु संचार मंद रहता है। अन्य पद्धतियों की तुलना में एक्सट्रैक्शन लॉसेस साधारण तौर पर ज्यादा रहता है। छत के दबाव की वजह से इसे नियंत्रित करना आसान नहीं होता, जिससे इस पद्धति से काम करते समय अच्छी गहराई प्राप्त करना कठिन होता है। फर्श और छत के खिसकने से मार्ग का क्षय हो सकता है। अन्य परतों के धसकने और पारस्परिक क्रिया का प्रभाव एक समान नहीं होता है और आसानी से इसका अनुमान और नियंत्रण कठिन है। बोर्ड एंड पिलर में डीपिलरिंग पद्धति, बोर्ड एंड पिलर प्रणाली से पिलर्स के गठन के बाद पिलर से कोयला निकाला जाता है जिसे डीपिलरिंग पद्धति कहते हैं। डीपिलरिंग पद्धति दो तरीके से होता है, डीपिलरिंग विद केविंग और डीपिलरिंग विद स्टोविंग। डीपिलरिंग विद केविंग, इस पद्धति में पिलर से कोयला निकालने के बाद ऊपरी छत को टूटने दिया जाता है जो खाली या कोयला रहित इलाके में गिरती है जिसे गोफ कहते हैं। जैसे ही कोल सीम के छत वाली परत टूटने लगती है, जमीनी सतह में धसकने और दरारें उभरने लगती है, क्षति की मात्रा निकाली गई सीम की मोटाई, गहराई, स्तर की प्रकृति, सहभूमि की मोटाई और फॉल्ट्स के प्रभाव पर निर्भर करती है। डीपिलरिंग विद स्टोइंग, पिलर निकर्षण की एक पद्धति है जहां गोफ को पूरी तरह से न जलने वाले पदार्थों से भरकर रखा जाता है
और सामान्यतः इसका अभ्यास वहां किया जाता है जहां कोयला निकालने के बाद अक्षत सीम के ऊपर स्तर और सतह को रखना जरूरी हो। इन सब परिस्थितियों में कड़ाई के साथ डीपिलरिंग जरूरी है। पहला, निकाले जाने वाले सीम के ऊपर आग की उपस्थिति में। दूसरा, मुख्य संरचना की उपस्थिति में जिसे बदला न जा सके। तीसरा, एक या एक से ज्यादा सीम की उपस्थिति में। चौथा, सीम निकालने वक्त जो सहज ताप के प्रति संवेदनशील है। लॉन्ग वॉल खनन, इस तरह के खनन में बहुत लंबे यानी कि 60 मीटर से 200 मीटर कोल फेसेस निकाला जाता है। मुख्यतः इस तरह का खनन दो तरीके से होता है, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग। एडवांसिंग में लॉन्ग वॉल फेसेस को पैनल के शुरू में निकाला जाता है और पैनल बाउंड्री की ओर आगे बढ़ता है। फेस से कोयला निकालने के बाद गोफ या कोयला रहित क्षेत्र को पैक वॉल्स का सहारा दिया जाता है या धंसने दिया जाता है। लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग, इस तरह के खनन में हेडिंग के जोड़ों को समानांतर पैनल बैरियर के अंत तक जाते हैं और पैनल के अंत में लॉन्ग वॉल फेस लेट डाउन करते हैं या हेडिंग को जोड़कर निकर्षण किया जाता है। पैनल की बाउंड्री से और कोयला फेस पैनल के शुरुआत की तरफ रिट्रीट करता है। ओपन कास्ट और भूमिगत खनन संबंधी सामान्य विचार। ओपन कास्ट खनन, अब हम ओपन कास्ट खनन की बात करते हैं। भारत में ओपन कास्ट खनन मुख्यतः 83% से ज्यादा कोयला उत्पादन करता है। इस तरीके में ऊपरी चट्टाने पानी अधिक भार को हटाकर पहले चरण में भविष्य में खनन संचालन में प्रयुक्त न होने वाले स्थान पर रख दिया जाता है। फिर जरूरत के मुताबिक बेंचेस बनाकर कोयले को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। ओपन कास्ट खनन हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी यानी कि HEMM के इस्तेमाल से या मैनुअल पद्धति से की जाती है। ओपन कास्ट का आर्थिक एक्सट्रैक्शन मुख्यतः स्ट्रिपिंग रेशियो पर आधारित क्वेरी एबल लिमिट पर निर्भर करता है। जैसे मैनुअल स्ट्रिपिंग रेशियो 1.5, सेमी मैनुअल 2 स्ट्रिपिंग रेशियो, मैकेनाइज्ड विथ शॉवल डंपर कॉम्बिनेशन 4:5 स्ट्रिपिंग रेशियो, विथ ड्रैग लाइन 8:10 स्ट्रिपिंग रेशियो, विथ बकेट विल एक्सकेवेटर 3:4 स्ट्रिपिंग रेशियो। जमीनी विशेषताएं ऐसी होनी चाहिए कि ओपन कास्ट से निकर्षण संभव हो और पर्यावरण विभाग व DGMS की अनुमति आवश्यक है। अगर जमीनी इलाका वन क्षेत्र में पड़ता है। भूमिगत खनन के बारे में विचार, जब कोयला भंडार इतनी गहराई में होता है कि इसे ओपन कास्ट पद्धति से निकालना संभव नहीं होता क्योंकि गहराई के साथ ही SR यानी कि स्ट्रिपिंग रेशियो इसका सीमा परिमाण पार कर चुका होता है, या फिर जमीनी इलाका ऐसी जगह पर स्थित होता है जहां पर्यावरण संरक्षण और जमीनी विशेषता की सुरक्षा की दृष्टि से ओपन कास्ट खनन उपयुक्त नहीं होता, वहां भूमिगत खनन पद्धति से खनन किया जाता है। ओपन कास्ट खनन की तुलना में भूमिगत खनन ज्यादा खतरनाक है। भूमिगत खनन में सुरक्षा बरकरार रखना सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भूमिगत खनन में खदान चलाते वक्त इन सब पैरामीटर देखना बहुत जरूरी है। रूफ कंट्रोल, दुर्घटना से बचने और खदान की सुरक्षा के लिए कोल सीम की छत को भली भांति सहारे की जरूरत है। वेंटिलेशन यानी कि वायु संचार, भूमिगत खदानों में कार्यरत कर्मियों के लिए भरपूर ऑक्सीजन और ज्वलनशील गैसों की निकासी के लिए सभी स्थानों पर भरपूर वायु संचार की व्यवस्था होनी चाहिए। मॉनिटरिंग ऑफ गैसेस, गैस युक्त खदान में विस्फोट से बचने के लिए ज्वलनशील गैसों की मॉनिटरिंग आवश्यक है। बाढ़ से खतरा, अंडरग्राउंड में जलप्लावन से बचने के लिए CMR 1957 में प्रस्तावित सभी एहतियात बरतनी जरूरी है। मल्टीसिम वर्किंग, बहुत सारी खदानों में एक से ज्यादा सीम होती है। झरिया और रानीगंज व और भी कोयला खदानों में यह बेहद सामान्य है। असल में
ज्यादातर भारतीय कोयला खदानों में एक से ज्यादा सिम होती है, खासकर भूमिगत खदानों में। जब एक से ज्यादा सिम में कार्य होता है तब इसे मल्टी सिम वर्किंग कहते हैं। मल्टी सिम वर्किंग में कुछ अंतर्निहित समस्याएं होती हैं और ऐसे में स्थिरता और सुरक्षा के लिए ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। सीक्वेंस ऑफ डीपिलरिंग, निचली सिम से पहले ऊपरी सिम डीपिलर्ड होनी चाहिए। सीएमआर 1957 के अनुसार दो सिम के बीच में पर्याप्त जगह होनी चाहिए। छत को नियंत्रित करने की समस्या, सिम अगर एक दूसरे के बेहद करीब है तब यह समस्या गंभीर हो जाती है। जल प्लावन से खतरा, ऊपरी सिम या पहले काम की गई निचली सिम का उठना पानी से भरा हो सकता है। मल्टी सिम वर्किंग के लिए यह एक संभावित खतरा है। वायु संचार की समस्या, अगर सभी सिम में एक ही प्रणाली से वायु संचारण हो तो सभी वर्किंग सिम में भरपूर वायु संचार ज्यादा समस्याप्रद होता है। पुरानी वर्किंग की समस्या, अगर किसी खदान में मल्टी सिम वर्किंग है तब एक ही सिम या उसके किसी हिस्से के पहले ही कार्यान्वित होने की संभावना होती है और मौजूदा वर्किंग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जुड़ी होती है। ऐसी स्थिति में कई समस्याएं आ सकती है। पुराने वर्किंग से वायु के लीकेज की वजह से संवाती वायु का दूषण, ज्वलनशील गैसों के साथ पुराने वर्किंग से वायु के लीकेज की वजह से विस्फोट की संभावना। संस्पर्शी सीम, अगर दो सीम एक दूसरे से 9 मीटर के भीतर है तो उन्हें संस्पर्शी सीम कहते हैं। संस्पर्शी सीम के विकास और डीपिलरिंग के दौरान विशेष एहतियात की जरूरत है, जैसे ड्राइवेज रोड एक समान होनी चाहिए और ऊपरी सीम की डीपिलरिंग पहले होनी चाहिए। शाफ्ट, इंक्लाइन, ड्रिफ्ट इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार के आउटलेट संबंधी विचार और दूसरे आउटलेट की धारणा, विभिन्न माध्यमों से कोयले तक पहुंचा जा सकता है। शाफ्ट, गहरी भूमिगत खदान में जहां कोयला गहराई में होता है मुख्यतः शाफ्ट द्वारा पहुंचा जाता है। सामान्यतः कोयला सीम तक पहुंचने के लिए दो शाफ्ट की खुदाई की जाती है और उस शाफ्ट्स में लोगों, पदार्थों और कोयला परिवहन के लिए वाइंडिंग प्रणाली लगाई जाती है। वायु प्रवाह के निर्देशानुसार इन शाफ्ट को अपकास्ट शाफ्ट और डाउनकास्ट शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट को खोदना महंगा और समय खपाने वाला काम है और सीएमआर 1957 के अनुसार शाफ्ट के बीच की दूरी कम से कम 13.5 मीटर होनी चाहिए। इंक्लाइन, सतही गहराई वाली कोल सिम तक इंक्लाइन द्वारा पहुंचा जा सकता है। इंक्लाइन सीम के आउटक्रॉप या जमीन से संचालित एक ढलाऊ सड़क होती है। सीम की सही ढाल के साथ साथ इंक्लाइन का होना सामान्य अभ्यास है, लेकिन खड़ी ढाल की स्थिति में इसे एपरेंट डिप में चलाया जाता है। सतह से कोल सिम तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 इंक्लाइन बनाई जाती है। अगर कोई कोल सिम सतह या आउटक्रॉप से ऊंचे स्तर पर है तब ऊंची तरफ से एक्सेस बनाई जाती है जिसे एडिट कहते हैं। ड्रिफ्ट, दो या उससे ज्यादा कोयला परतों को जोड़ने के लिए जब पत्थर से मार्ग बनाया जाता है उसे ड्रिफ्ट कहते हैं। दूसरे आउटलेट की धारणा, कोल माइंस अधिनियम 1957 के तहत सतह से प्रत्येक कोयला परत में कम से कम 2 आउटलेट्स होने चाहिए और किसी भी समय उनके बीच की दूरी 13.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। किसी दूसरे आउटलेट में किसी अप्रिय घटना या दुर्घटना की स्थिति में बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता कराने के लिए दूसरे आउटलेट में इसकी व्यवस्था रहना जरूरी है। मुख्यतः एक आउटलेट का इस्तेमाल पदार्थों और कोयले के परिवहन के लिए और दूसरे का इस्तेमाल मजदूरों के आने जाने के लिए होता है। हर खदान में वायु संचार में कम से कम 2 आउटलेट जरूरी है। माइनिंग टर्म्स फॉर यूजी माइंस, अंडर डिफरेंट हेडिंग एंड ऑपरेशन। विनिंग एंड वर्किंग्स ऑफ कोल। फेस, जहां से कोयला निकाला जाता है उसे फेस कहते हैं। वर्किंग, खदान में कोयले की खोज में की गई या की जाने वाली खुदाई। वर्किंग प्लेस, खदान में कोई भी स्थान जहां किसी भी व्यक्ति का कानूनन पहुंच है।
सीम, कोयला तल। हेडिंग, कोयले द्वारा ले जाने की प्रक्रिया में कोई सड़क या गैलरी को हेडिंग कहलाता है। गैलरी, कोयला सीम द्वारा रोड ड्राइवेज को गैलरी कहते हैं। पैनल, बैरियर द्वारा अन्य डिस्ट्रिक्ट से पृथक डिस्ट्रिक्ट को पैनल कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट, खनन शब्दावली में अनेक हेडिंग से बने वर्किंग प्लेस को डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। डेवलपमेंट, बोर्ड एंड पिलर पद्धति में पिलर से कोल सीन द्वारा खनन ड्राइविंग को डेवलपमेंट कहते हैं। गोफ, पिलर काटने के बाद खाली जगह को गोफ कहते हैं। बोर्ड एंड पिलर, खनन की पद्धति। लॉन्ग वॉल, खनन की पद्धति। डी पिलरिंग, कोई संचालन जहां पिलर्स के निकर्षण या रिडक्शन का काम चल रहा है। स्प्लिटिंग, बोर्ड एंड पिलर डी पिलरिंग पद्धति में दो या दो से अधिक हिस्सों में ड्राइवेज को स्प्लिटिंग ऑफ पिलर्स कहते हैं। स्लाइसिंग, स्प्लिटेड पिलर से कोयला निकालने को स्लाइसिंग कहते हैं। सर्वेइंग, वर्किंग या चीज पर ऊंचाई से देखने के लिए ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण। सेक्शंस, किसी वस्तु का पार्श्वावलोकन। आरएफ, प्लान के स्केल का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। डायरेक्शन ऑफ प्लान, ट्रू नॉर्थ। डिप या राइज, समानांतर प्लान से बेड का इंक्लिनेशन। स्ट्राइक, इक्वेट ऑल्टीट्यूड की लाइन। वेंटिलेशन एंड गैस, भूमिगत खदान में पाई जाने वाली गैस। मीथेन, इथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन फ्यूम्स इत्यादि। फर्स्ट डिग्री गैसी सीम, जहां कोल सीम में ज्वलनशील गैसों का प्रतिशत 0.1 से ज्यादा न हो और उनके निकलने का अनुपात कोयला उत्पादन के 1 क्यूबिक मीटर प्रति टन से ज्यादा न हो। सेकेंड डिग्री गैसी सीम, मीथेन का प्रतिशत 0.1 से ज्यादा और गैस निकलने का अनुपात कोयला उत्पादन के 1 क्यूबिक मीटर प्रति टन से ज्यादा और 10 क्यूबिक मीटर प्रति टन से कम हो। थर्ड डिग्री गैसी सीम, मीथेन के निकलने का अनुपात कोयला उत्पादन के 10 क्यूबिक मीटर प्रति टन से ज्यादा हो। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, खदान में संवाती वायु के लिए लगाया गया मुख्य पंखा। ऑक्सिलरी फैन, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज्यादा फेसेस के वायु संचार के लिए अंडरग्राउंड में इस्तेमाल एग्जॉस्ट फैन। बूस्टर फैन, जमीन के अंदर खदान में वायु की प्रवाह को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल यांत्रिक पंखा। ब्लैक डैम्प, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। फायर डैम्प, मीथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन्स। व्हाइट डैम्प, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टिंक डैम्प, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। आफ्टर डैम्प, विस्फोट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस गैस, हाइड्रोजन, मीथेन जैसे गैसों का मिश्रण। नाइट्रस फ्यूम्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का मिश्रण। इनक्यूबेशन पीरियड, मेन फॉल और हीटिंग शुरू होने के बीच के समय का अंतराल। लैग ऑफ इग्निशन, बॉडी का दहन शुरू होने और फ्लेम के प्रयोग के बीच का समय का अंतराल। ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग, ठोस या तरल वस्तु जो उच्च तापमान और दबाव में किसी लपट, ताप या तुरंत धक्के के प्रयोग से तत्काल अपने को गैसों की बड़ी मात्रा में बदल लेती है। डिटोनेटर, यानी कि प्रस्फोटक, विशेष विस्फोटकों के छोटे सहायक चार्ज वाली तांबे या एल्यूमिनियम की छोटी ट्यूब। एक्सप्लोडर, विस्फोट के लिए छोटी धारा पैदा करने वाली यांत्रिकी। ये सिंगल या मल्टी शॉट हो सकती है।
मिसफायर, समूचे शॉर्ट होल के धमाके का असफल होना, आरक्षित स्टेशन यानी कि रिजर्व्ड स्टेशन, खदान का वो स्थान जहां अतिरिक्त विस्फोटक का सुरक्षित लेकिन अस्थायी भंडार रखा जाता है, पूर्ण संवाती व सुरक्षित प्राइमिंग कारतूज, चार्ज को इनिशिएट करने में इस्तेमाल डिटोनेटर के साथ जुड़ा कारतूस। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, ट्रैमिंग, टब्स या कार को मैनुअली सेट करना, हॉलेज, कोल टब या माइन कार को खींचने के लिए उपयोग किया गया मशीन, बेल्ट, कोयले के परिवहन में इस्तेमाल बेल्ट, भूमिगत दौरा यानी कि अंडरग्राउंड विजिट, वर्किंग फेस, फर्स्ट एड स्टेशन, रिजर्व स्टेशन एवं माइन स्टेशन। वर्क फेस, ये वर्किंग फेस है, हम फेस के विस्तार यानी कि ऊंचाई व चौड़ाई देख सकते हैं और SSR यानी कि सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल के अनुसार कैसे इसे सहारा दिया गया है, ऊंचाई और चौड़ाई CMR 1957 के अनुसार। प्राथमिक उपचार, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक प्राथमिक उपचार स्टेशन होना अनिवार्य है। देखिए इस प्राथमिक उपचार स्टेशन में किन वस्तुओं का रखना जरूरी है, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स, ब्लैंकेट, रोलर बैंडेज, स्ट्रेचर, ड्रिंकिंग वाटर इत्यादि। अंडरग्राउंड में किसी व्यक्ति के घायल हो जाने पर प्राथमिक उपचार देना जरूरी है। रिजर्व स्टेशन, देखिए ये विस्फोटक के अस्थायी भंडारण के लिए रिजर्व स्टेशन है, ये अच्छी तरह संवाती होना चाहिए और कोई इलेक्ट्रिक केबल यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमारा जो रिजर्व स्टेशन से इलेक्ट्रिकल केबल जो है 90 मीटर में दूर रखता है, मिनिमम डिस्टेंस। देखिए ये माइनर स्टेशन है, ये भली भांति हवादार, रोशन और संभाला हुआ होना चाहिए, जल और बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवहारिक प्रदर्शन और वार्ता, फेस ऑपरेशन, सामान्य एहतियात, प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट यानी कि अध्यादेश की व्यवस्था, सभी खनन फेस संचालन CMR 1957 के तहत होनी चाहिए। फेस ऑपरेशंस में इन सब ऑपरेशन समाहित होते हैं, ड्रिलिंग, चार्जिंग एंड ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग के बाद फेस की ड्रेसिंग, जल छिड़काव, फेस का सपोर्ट, कोयले की लोडिंग मैनुअली या फिर SDL, LHD इत्यादि जैसी मशीनों के साथ, सामान्य सावधानियां, सपोर्ट, सिस्टमेटिक सपोर्ट नियमों के अनुसार प्रस्तावित, वायु संचार भरपूर होनी चाहिए, आवश्यक हो तो वायु प्रवाह की कोर्सिंग होनी चाहिए, साइड एंड फेस ड्रेसिंग जरूर होनी चाहिए ताकि कोई ओवरहैंग बाकी न रहे जिससे छत या साइड फॉल की समस्या हो, चार्जिंग और ब्लास्टिंग के समय एहतियात बरतनी चाहिए, ब्लास्टिंग से पहले उचित चेतावनी दी जानी चाहिए। SDL और LHD इत्यादि के मामले में केबल हैंडलिंग,
ब्लास्टिंग फेस से 18 मीटर तक फ्लेम सेफ्टी लैंप या मिथेनोमीटर या अन्य प्रस्तावित इलेक्ट्रिक उपकरण द्वारा गैस की जांच जरूर की जानी चाहिए। खनन पद्धतियों पर वार्ता। बोट एंड पिलर, गैलरीज एंड पिलर्स। इस गैलरीज को देखिए, असल में ये कोल सीम के थ्रू एक ड्राइव एज है, जहां पीलर तैयार करने के स्ट्राइक, डिप या साइज निर्देश है। पीलर का आकार CMR 1957 के अनुसार होना चाहिए, जो मुख्यतः दो पैरामीटर पर निर्भर होते हैं, कोल सीम की गहराई, गैलरीज की चौड़ाई और कोयले की क्षमता और छत की स्थिति पर भी। पिलर्स के गठन का समूचा ऑपरेशन बोर्ड एंड पिलर पद्धति में विकास यानी कि डेवलपमेंट कहते हैं। डी पिलरिंग। ऑपरेशंस शुरू करने से पहले DGMS से अनुमति प्राप्त करनी जरूरी है। स्प्लिट्स का गठन। बोर्ड एंड पिलर डी पिलरिंग पद्धति में दो या दो से अधिक हिस्सों में ड्राइवेज को स्प्लिटिंग ऑफ पिलर्स कहते हैं। निकर्षण की पद्धति यानी कि मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। स्लाइसेस का गठन और स्टुक्स को फाइनल ऑपरेशन के तौर पर लिया जाता है। गोफ, देखिए इसे गोफ कहते हैं और कैसे इसको सहारा दिया गया है। असल में ये वह स्थान है जहां से कोयला पूरी तरह से निकाल लिया गया है। ओल्ड वर्किंग, ये खदान का वो स्थान है जहां वर्तमान में कोई ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है।